गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हॉज एंड हॉज फिटिंग। पढ़ेंगे क्या? हॉज एंड हॉज फिटिंग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा है, काफ़ी बड़ा है, कहने को छोटा सा है। हॉज के बारे में बताना है, उसकी फिटिंग्स के बारे में बताना है, लेकिन हॉज के बारे में भी अगर डिटेल में जानना है, गहराई तक पढ़ना है, तो काफ़ी सारा हमें स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। और हॉज फिटिंग्स की बात करें तो हॉज से भी ज़्यादा हॉज फिटिंग्स के बारे में हमारे चैप्टर चलते हैं। तो हॉज एंड हॉज फिटिंग्स कई चैप्टर में जाके कंप्लीट होगा, शायद चार भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं। ये पहला चैप्टर है और आपके सिलेबस में, फायर इंजीनियरिंग के सिलेबस में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन सभी टॉप मोस्ट चैप्टर जो होते हैं उसमें से ये एक है। तो बड़े ध्यान से आप एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना बैठ, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर समझ लिया तो सीख भी जाएंगे और याद भी रहेगा, वरना सीखेंगे अलग से, याद करेंगे अलग से, रट्टे मारेंगे, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये हॉज क्या चीज़ होता है। काफ़ी सारी YouTube पे भी वीडियो होती हैं, Facebook वगैरह पे भी चलती हैं, उनसे आपने जान लिया होगा, लेकिन सिलेबस चल रहा है तो हम इस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, बताना ज़रूरी है। एक्चुअली होज कहते हैं किसी प्रकार की पाइप को, कोई भी पाइप हो उसको इंग्लिश में हम पाइप के अलावा दूसरा नाम उसका होज रख सकते हैं, HOSE। वो पतली पाइप हो या मोटी पाइप हो, होज भी बोल सकते हो। बट यहाँ फायर होज की बात चल रही है कि फायर में इस्तेमाल होने वाले होज ये क्या होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के कुछ पाइप ही होते हैं जो किसी नदी, नाले, तालाब, पंप से पानी लेके आग लगने के स्थान पे, यानी कि जहाँ आग लगी है वहाँ तक पानी पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं या उसमें काम में लाए जाते हैं। अभी जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है कई मंजिल की और इसमें यहाँ आग लगी हुई है, ठीक है। तो अब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, या चलो गाड़ी का तालाब मान लेते हैं कि जो भाई पानी का तालाब है ये यहाँ पे है, अब यहाँ से वहाँ तक क्या बाल्टियों से पानी लेके जाएंगे? तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? हम एक मशीन, एक पंप होती है, जो खेतों में पंप नहीं होता है जो ज़मीन से पानी निकाल के और वो खेतों में फेंकता है, उस तरीके के पंप हम यहाँ अगर लगा भी दें, चलिए हमने मान लीजिए यहाँ पे ये पंप लगा दिया, तो पंप यहाँ से पानी कैसे उठाएगा और यहाँ से उठा भी ले तो फिर वहाँ कैसे फेंकेगा? तो इसके लिए यहाँ पानी खींचने के लिए एक पाइप, एक प्रकार के जो है विशेष प्रकार के पाइप लगाए जाते हैं और फिर पंप इसमें से पानी खींच के पूरे प्रेशर के साथ फिर आगे तक पहुंचाता है आग पे पानी मारने के लिए, जहां हमारे फायर फाइटर खड़े होके आग बुझाते हैं। तो ये और ये जो दोनों पाइप काम में लिए, पानी खींचने के लिए ये वाला और फेंकने के लिए ये वाला, इन्हीं होज पाइपों को हम फायर होज बोलते हैं। अब इनके नाम जो नदी से पानी खींच के पंप को देता है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भरता है, इसे हम कहते हैं सक्शन होज, HOSE। और पंप से या फायर ब्रिगेड की गाड़ी या पंप, इसको कुछ भी मान लो, यहाँ से जो आग पे पानी फेंकता है प्रेशर के साथ, ये होता है हमारा, ये होते हैं डिलीवरी होज। ये दो मुख्य मेन प्रकार के होज फायर में यूज किए जाते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, ये तो ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप समझ गए होंगे कि होज पाइप एक्चुअली क्या होते हैं जो फायर में यूज किए जाते हैं। ये पाइपलाइन ही होती है,
सॉरी पाइपलाइन नहीं, एक तरीके के पाइप ही होते हैं। एक सिंगल पाइप भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा दूरी है तो दो पाइपों को आपस में अटैच भी कर सकते हैं। तो जनरल चीज़ें बताऊंगा पहले चैप्टर में। पहला आप ये जो मान लीजिए कि यहाँ पे एक तालाब है, ठीक है, ये तालाब में से पानी खींच के यहाँ ये जो पंप खड़ा है, या इसको पंप की बजाय आप जो है फायर की गाड़ी ही मान लीजिए, ठीक है, इसको हम फायर की गाड़ी ही मान लेते हैं। चलो यहाँ तक पानी खींचा और गाड़ी में से फिर हमने आगे पाइप बिछा के ये जो आग लगी हुई थी ये आग पे पानी मार दिया। तो ये तालाब अगर थोड़ा ज़्यादा दूर हो और एक की बजाय दो आपस में पाइप जॉइंट करके ले जाना पड़े, तो ये जो जॉइंट किया ना हमने, यही हमारा होज फिटिंग होता है। अब यहाँ भी अगर लंबी दूरी पे दो से तीन पाइप बिछा के ले जाने पड़े तो उन पाइपों में भी बीच में सभी में जॉइंट होंगे। तो यही जो जॉइंट होते हैं पाइपों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वही होज फिटिंग होती है। तो ये हमारे होज हो गए और ये जो हमारी हैं ये होज फिटिंग हो गई। सिंपली समझने के लिए ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब कौन सा पाइप कितने प्रकार का होता है ये जानने के लिए आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होज होते कितने प्रकार के हैं। तो बेटा होज होते हैं तीन प्रकार के, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ होज यूज इन फायर। द फर्स्ट इज सक्शन एंड द सेकेंड इज डिलीवरी होज एंड द थर्ड इज होज रील होज। इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको भी बताया। तीसरा ये होज रील था, ये पहले ही आप फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेज यानी प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण जो चैप्टर था, जो पार्ट था, उसमें पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है दोबारा फिर से जाके देख लेना, होज रील के बारे में उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर भी दोबारा थोड़ा बहुत ये चैप्टर में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब सक्शन होज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सक्शन होज का हमें सक्शन होज क्यों बोलते हैं? सक्शन होज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें SUC सक मतलब खींचना अपनी तरफ, ऐसे हम हवा जूस के अंदर एक पाइप डाल के या कोल्ड ड्रिंक में और स्ट्रॉ पाइप डाल के आप जो खींचते हैं ना, सक करते हैं, उसको खींचना बोलते हैं, सक्शन करना बोलते हैं। तो ये सक्शन ही तो वही तो काम करता है ना। अभी जो फायर की गाड़ी या जो भी पंप है उसको तालाब से, नदी से या कहीं से पानी चाहिए तो वो खींच के निकालेगा ना उससे। तो ये पाइप पानी खींचने के लिए काम आते हैं, इसलिए इनको हम सक्शन होज पाइप बोलते हैं, SUCTION सक्शन होज। सक्शन होज जो हैं ये 8 फीट और 10 फीट की लंबाई के मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा या इससे छोटे नहीं होते हैं। तो इनकी लंबाई कितनी होती है? 8 फीट या 10 फीट, मोस्टली 8 फीट के यूज होते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे 10 फीट के भी यूज कर सकते हैं। इनके डायमीटर की बात की जाए तो इनके डायमीटर होते हैं, मतलब कि ये चौड़े कितने होते हैं, तो 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच। ये इनकी चौड़ाई होती है। अब ये बनावट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के। इंग्लिश में कहें तो एक होता है पार्शियली एम्बेडेड और एक होता है फुली एम्बेडेड। पार्शियली एम्बेडेड में अंदर
पतली पतली जो तारे होती हैं वो या तो नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं, वो पार्शियली एम्बेडेड होता है। लेकिन फुल्ली एम्बेडेड सक्शन होज के अंदर पतली लोहे की या तांबे की तारें जो होती हैं, स्टील की या कॉपर की वायर जो होती हैं, वो उसके अंदर ही बनाते टाइम में डाल दी जाती हैं और ज़्यादा उसको मजबूती देने के लिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पे, ये इसमें प्लास्टिक फाइबर यूज होता है इसमें ये, और स्टील वायर इसके अंदर यूज होती है तो वो फुल्ली एम्बेडेड हो जाता है। जिसमें स्टील वायर यूज नहीं होती है इसको पार्शियली एम्बेडेड बोलते हैं, या थोड़ी बहुत तार डाली जाती है, ज़्यादा नहीं होती है उसके अंदर। ये दो प्रकार के हैं। सक्शन होज हमेशा फायर की गाड़ी या पंप के बैक साइड पीछे पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 8 से 10 फीट की इनकी लंबाई होती है, 3 इंच मोटा हो सकता है, 4 इंच मोटा हो सकता है, और ज़रूरत के हिसाब से 6 इंच की मोटाई के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दो प्रकार के मुख्य तौर पे होते हैं और दोनों में आगे पीछे कपलिंग लगी होती हैं, दोनों में ही कपलिंग लगी होती हैं, इसीलिए क्योंकि दोनों में एक साइड से पंप पे अटैच किया जाएगा तो दूसरे साइड से या तो लंबाई ज़्यादा होगी तो दूसरा होज लगाने के लिए कपलिंग होती है, और अगर ज़्यादा लंबाई नहीं चाहिए, एक ही होज से काम चलता है, तो एक साइड पंप पे फिट करने के लिए कपलिंग होती है, दूसरी साइड उसमें बास्केट स्ट्रेनर को पानी में डाल के यूज करने के लिए, लगाने के लिए, अटैच करने के लिए कपलिंग होती है। तो इसमें दोनों साइड कपलिंग लगी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिलीवरी होज की तरफ। नंबर दो क्या था हमारा? डिलीवरी होज। तो डिलीवरी होज क्या है? ये पंप से या फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी लेके प्रेशर के साथ आग की जगह पे, आग के स्थान पे फेंकने के लिए पानी को यूज किए जाते हैं, उसे डिलीवरी होज कहते हैं। और सक्शन होज से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सक्शन होज को आप सॉफ्ट नहीं होता, उसको आप दबा नहीं सकते हैं। सक्शन होज कौन सा होता है आपने कभी ध्यान दिया हो तो, खेतों में जो फवारे लगे होते हैं, खेतों में जो यूज किया जाता है नदी से पानी खींचने के लिए या फवारे लगाने के लिए, तो वो बहुत हार्ड होते हैं। उस तरीके के जो होज होते हैं हार्ड होज, उन्हीं को सक्शन बोलते हैं। और जो सॉफ्ट होज होते हैं ट्यूबवेल के या पंप के आगे लगा के काफ़ी दूर तक पानी लेके जब जाना होता है तो वहाँ जो सॉफ्ट वाले होज लगाए जाते हैं उसको हम डिलीवरी होज बोलते हैं। तो डिलीवरी होज हमारे एक तो कैनवास के बने होते हैं, कैनवास के बने होते हैं, एक आपके रबर लाइन होज होते हैं। लेकिन इनको अभी कैसे किस चीज़ के बने होते हैं बाद में बात करेंगे, अभी टेक्निकली बात करें तो दो टाइप के होते हैं, मैं दो नाम बताता हूँ, नाम लिख के रखना। पहला होता है परकोलेटिंग होज और दूसरा होता है नॉन परकोलेटिंग होज। नॉन परकोलेटिंग होज तो ये दोनों क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे परकोलेटिंग होज की। परकोलेटिंग होज होता है कि ये कैनवास का मतलब जूट का बना होता है, पटसन से बना होता है, रेशा होता है इसके अंदर, जो नॉर्मली कपड़ों में नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता हो और पटसन से जो बनता था, अभी तो बहुत कम हो गया वो, लेकिन मतलब समझिए सूती कपड़ा जो होता है उसको नायलॉन में मिक्स करके इसमें यूज करते हैं, तो इसको कैनवास होज भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम परकोलेटिंग होज बात करेंगे। परकोलेटिंग होज वो होते हैं जिनके अंदर कुछ भी ज़्यादा प्लास्टिक रबर वबर घोल नहीं लगा होता है, वो सीधे बस कपड़े के बने होते हैं। और ये वाले ऐसी जगह यूज किए जाते हैं जैसे जंगल की आग हो या लंबी कहीं आग, खेतों में कहीं आग लगी हो जिससे ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। वहाँ इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत गर्म सतह होने से होज को रखेंगे तो वो जल सकता है, वो डैमेज हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। बट ये वाले में क्या होता है, छेदों से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है इसके अंदर, मतलब इसकी जो सतह है, इसकी जो बॉडी होती है वो पानी से हमेशा गीली रहती है,
पानी उसके अंदर चलते ही वो एकदम गीला हो जाता है, वो सूखा नहीं रहता है। तो वो जब पूरी तरीके से गीला होता है और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से रिसता रहेगा, निकलता रहेगा, तो कितने भी गर्म अगर सतह पे भी आप उसको बिछा के लेके जाएंगे ना, तो उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। आसपास की आग से भी उसको कोई परेशानी या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पानी में भीगा हुआ रहता है। तो नॉन परकोलेटिंग होज होते हैं जो सिर्फ कैनवास पटसन से बनते हैं, नायलॉन मिक्स होता है, उनके अंदर किसी तरीके का कोई भी अलग से गलोनाइज करके कोई चीज़ नहीं लगाई जाती है। इसके बाद नॉन परकोलेटिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अंदर साइड में रबर का एक खोल चढ़ा के चिपका के रखा जाता है, और इसके अंदर स्टील की वायरिंग भी पतली वाली कर दी जाती है, जिसको रबर लाइंड होज भी बोलते हैं। रेनफोर्समेंट लाइंड होती है इसके अंदर, यानी कि स्टील की वायर लगाई जाती है और रबर का एक खोल एकदम गर्म करके चिपका के रखा जाता है। इनको हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें होज के डैमेज होने का या ख़राब होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि इनमें से किसी तरीके का पानी का रिसाव नहीं होगा, ना ही ये गीले होंगे, बाहर से बिल्कुल सूखे रहते हैं। तो ये वाले यूज किए जाते हैं बिल्डिंग की आग में, घर की आग में, गोदाम की आग में, ऐसी जगह में हम नॉन परकोलेटिंग होज को इस्तेमाल करते हैं। अब इनके साइज की बात करते हैं, तो इसके चार साइज जो हैं, चारों में भी आपको बता रहा हूँ साइज क्या क्या होते हैं। पचास फिट, पचहत्तर फिट, सौ फिट, 120 फिट, ये चार साइज में होते हैं हमारे डिलीवरी होज। जो 50 फीट की लंबाई के होते हैं वो नॉर्मल आग पे जनरली जो ज़्यादातर जो आग लगती है उस पे यूज किया जाता है। कहीं पे भी किसी घर में लगी है, दुकान में लगी है, रोड पे लगी है, कहीं रोड पे किसी गाड़ी में लगी है, कूड़े में लगी थी, इस तरीके की आग पे हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली यूज किया जाने वाला होता है। अब ये हो गया आपका। अब 75 फीट का जो होता है इसकी बात करते हैं, तो ये 75 फीट का वाटर टेंडर पे, मतलब पानी की जो गाड़ी होती है, फायर ब्रिगेड गाड़ी जिसमें पानी भरा होता है, ये वाटर टेंडर पे यूज किए जाते हैं। और गांव देहात में अगर आग लगती है तो वहाँ भी यही यूज किया जाता है। इसके बाद 100 फीट का, जो 100 फीट का लंबा होता है, इसे ऊंची बिल्डिंगों में यूज किया जाता है, कहीं बड़े गोदाम में आग लगती है तो भी यूज किया जाता है। और तेल की आग जो है, जैसे रिफाइनरी में लगी या तेल के टैंक में लगी है, तो वहाँ हम 100 फीट की लंबाई के जो होज होते हैं ये यूज करते हैं। इसके बाद 120 फीट का जो होता है, ये स्पेशल होज होती है, इसके बीच में कहीं कोई कपलिंग नहीं होती है, ये सिंगल लेंथ का होता है, इसके सिर्फ सिरों पे ही कपलिंग होती है बेशक से 120 फीट का, क्योंकि अगर हमें ये 120 फीट तक लेके जाने हैं तो कम से कम 2 से 3 लगाने पड़ेंगे और सब में कपलिंग रहेगी, लेकिन ये जो होता है सिंगल कपलिंग में होता है, इसमें एक ये मेल कपलिंग सिरे पे, दूसरे पे फीमेल सिरे पे होता है, क्योंकि ये वाला हमारा TTL टर्न टेबल लैडर, ये टर्न टेबल लैडर पे यूज किया जाता है, वो लंबी ऊंचाई की फायर ब्रिगेड की गाड़ी जिसपे लंबी ऊंचाई तक जाने वाली सीढ़ी लगी होती है, बहुमंजिला बिल्डिंगों पे खिड़की दरवाजे तोड़ के बाहर से आग बुझाई जाती है, तो वहाँ ये वाले डिलीवरी होज यूज किए जाते हैं जिनके बीच में कोई कपलिंग नहीं होती है। तो ये इनके तीनों के साइज आपके हो गए। तो अभी इसके डायमीटर में क्या आएगा आपका, 1.25 इंच एंड 2.25 इंच एंड 4 इंच, ये तीन इसके डायमीटर होते हैं। डायमीटर का मतलब होता है ये इससे थोड़ा और बड़ा होगा और ये इससे थोड़ा और बड़ा होगा। तो ये वाले होते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मली आपके बिल्डिंगों में जो फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन होती है, फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन जो होती है FFI, मतलब आप जब कभी किसी बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में या कहीं जाएंगे तो आपको सीढ़ियों के साथ में एक FHC फायर होज कैबिनेट एक लगा हुआ मिलेगा, लाल कलर का बक्सा उसके अंदर होता है, तो वहाँ 125 इंच के जो है डिलीवरी होज मोटाई के लगाए जाते हैं। इसके अलावा 2.25 इंच जो ये हैं, ये आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे इस्तेमाल किए जाते हैं, फायर की हमारी जो गाड़ी होती है उस पे 2.25 इंच के
होज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 इंची होज जो हैं ये फोम टेंडर पे, फोम का जो टेंडर होता है झाग बनाने वाला जो होता है तेल के आग पे जो इस्तेमाल किया जाता है उस पे 4 इंच के पाइप हमेशा यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये 3 साइज के इस्तेमाल किए जाते हैं डिलीवरी होज। अब आगे नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि एक अच्छे होज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एडवांटेज क्या क्या होनी चाहिए इनकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि देखभाल कैसे की जाती है, मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ होजेज। तो इनके होज जो होते हैं दोनों टाइप के, इनका केयर कैसे करना होता है, मेंटेनेंस कैसे करना होता है और इनकी कैसे देखभाल, एक एक चीज़ पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।